नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के जी हाँ आज का हमारा टॉपिक है लहसुन और दूध का ये उपाय साइटिका का दर्द जोड़ों का दर्द कोलेस्ट्रॉल कब्ज और माइग्रेन में किसी संजीवनी से कम नहीं है इसका सेवन कैसे करना है बस इस बारे में जानते हैं आजकल लोगों के जीने का उपाय पहले की अपेक्षा बहुत बदल गया है आज के समय में खान पान में लापरवाही के कारण कमजोरी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी भी कई सारी समस्याएं आने लगी हैं। आज हम आपको दूध के साथ लहसुन के सेवन से होने वाले छह बड़े फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं आजकल ज्यादातर लोगों के घुटनों में दर्द साइटिका की समस्या रहती है कभी कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है की चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है कभी कभी तो इस दर्द के कारण घुटनों में सूजन की समस्या भी हो जाती है पर आज हम आपको लहसुन और दूध का ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिनके प्रयोग से घुटने का दर्द साइटिका अच्छा हो जाता है यही नहीं इस उपाय से कोलेस्ट्रॉल कब्ज अपच और माइग्रेन इत्यादि जैसी समस्याओं से ही निजात मिलती है दूध और लहसुन के फायदे साइटिका का, का दर्द चार लहसुन की गोलियां और 200 सौ दूध सबसे पहले लहसुन को काट कर दूध में डाल दें दूध को कुछ मिनट तक उबालें उबलने के बाद इसे मीठा करने के लिए थोड़ा शहद मिला लें इस दूध का रोजाना सेवन करें जब तक दर्द खत्म न हो जाए तब तक करना है आपको कोलेस्ट्रॉल दूध और लहसुन का मिश्रण आपके हृदय धमनियों की रुकावट यानी उसमें जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में मदद करता है और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करता है कब्ज आयुर्वेद के अनुसार यह प्राकृतिक पेय दूध और लहसुन का मिश्रण आंतों को सक्रिय कर कब्ज की समस्या को दूर करता है और गुदा मार्ग को भी नर्म बनाता है अपच दूध और लहसुन का यह मिश्रण पाचक रसों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है जिससे एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं में लाभ होता है जोड़ों का दर्द इस दूध में शोथरोधी तत्व होते हैं जिसके कारण यह जोड़ों के दर्द में विशेष रूप से फायदेमंद साबित होता है अगर आपके घुटनों में दर्द की समस्या रहती है तो इसके लिए नियमित रूप से एक गिलास दूध में तीन से चार लहसुन की कलियाँ डालकर उबालकर कर, उबाल कर पिए आपको लाभ होगा इसे पीने से दर्द से राहत मिल जाएगी माइग्रेन माइग्रेन के मरीजों के लिए दूध और लहसुन का यह मिश्रण बेहद लाभदायक है यह सामान्य सिर दर्द से भी निजात दिलाने में मददगार है जी हाँ दोस्तों तो अगर आप लहसुन और दूध प्रयोग करते हैं एक साथ तो आपको इतने सारे फायदे होते हैं इसीलिए ये बहुत ही कारगर औषधि है हम सभी के लिए क्योंकि हमारे शरीर को पोषक तत्व भी मिल जाते हैं इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा भी मिल जाता है तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और